आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है जहाँ सीएम भूपेश बघेल बूढ़ा तालाब पहुँचे हैं, श्रमदान करने पहुँचे हैं, जहाँ उनके साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ भूपेश बघेल के साथ और भी कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। सभी ने प्रॉपर मास्क लगाए हुए हैं। नगरी प्रशासन विभाग के मंत्री श्री बहरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, भाई कुलदीप जी, भाई महापौर विजय ढेबर जी, पश्चिम के निवेदन कर रहा हूँ विकास भाई और चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ के कमिश्नर रजत जी और अच्छा सौरभ कुमार रजत और सभी हमारे पार्षद हैं और किसी भी अभी आए हैं सभी बस्ती साथीगण पत्रकार साथियों। नौतपा का दूसरा दिन खूब धूप में आप खड़े हैं, मैं जो हूँ ज़्यादा देर नहीं लूँगा, लेकिन पिछले दिनों एक बैठक नगरी प्रशासन विभाग के हम लोगों ने किया था जिसमें मुख्य सचिव थे और मंत्री तो थे ही, उसमें हम लोगों ने पिछले साल एक टास्क दिया था कि अब हमारे शहरों में टैंकर मुक्त हमको शहर बनाना है, उसमें काफी सफलता मिली, बहुत कम टैंकर रह गए। उसी प्रकार से इस समय जो टास्क हमने नगरीय प्रशासन विभाग को दिया है वो सभी जो हमारे तालाब हैं, जो प्राकृतिक तालाब हैं, हमारे पूर्वजों ने जिसे बनाया है, और एक शहर किसी भी शहर के सुंदरता की पहचान होती है, इसे हम न केवल सुरक्षित करें बल्कि उसका सौंदर्यीकरण भी करें, पानी भी साफ हो और यहाँ पर्यटन के हिसाब से घूमने फिरने के हिसाब से भी लोग आए, का सौंदर्यीकरण हुआ। उसी प्रकार के प्रत्येक शहर के सभी तालाब को हमको साफ सुथरा रखना है और उस कड़ी में आज रायपुर के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी तालाब बूढ़ा तालाब की साफ सफाई नगर निगम ने चीफ सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की और हजारों ट्रक जलकुंभी और कचरे यहाँ से निकाले। मेयर साहब भी खूब मेहनत की, फोन करके मुझे जानकारी लगातार देते थे, आज 1000 ट्रक निकाल चुके, आज 1600 ट्रक हो गया, आज 2000 हो गया, आज 2300 हो गया, रोज जानकारी वो देते रहते थे। और ये तालाब जो जलकुंभी से भरा रहता था आज साफ सुथरा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसे। और जो